एसएस फूड एंड ट्रिकल चैनल में आपका स्वागत है। हम आज आपको घर में अदरक को कैसे प्रिजर्व करके रख सकती हैं। ये अदरक हम लगभग 3 से 4 महीने तक प्रिजर्व करके फ्रिज में रख सकते हैं। इसको प्रिजर्व करना बहुत आसान है। हमने घर में अदरक प्रिजर्व करने के लिए क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। हमको चाहिए ये 200 ग्राम अदरक, इसको छील के टुकड़े कर लें। उसके बाद हमने इसको मिक्सी के जार में डाल दिया। हमने 200 ग्राम में ये 2 बड़े चम्मच नमक और लगभग 2 बड़ी कड़छी बराबर ये कच्ची घानी का सरसों का तेल है, हमने इस तरह से इसको बीच में शामिल करना है, ये डालना है और इसको इस तरह से। अब हम इसको बहुत महीन मिक्सी के जार में पीस देंगे। ये मैंने मिक्सी जार में अदरक को पीस लिया। आप चाहें तो बहुत ज़्यादा मात्रा में भी इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इसमें तेल और नमक यही प्रिजर्वेटिव है और हमने इसमें कोई केमिकल नहीं डाला, ये दोनों नेचुरल प्रिजर्वेटिव होते हैं। अब हम इस तरह से इसको डिबिया में बंद करके हम फ्रिज में रख देंगे। आप बस ये ध्यान रखें कि हमने इसको फ्रिज में ठंडे तापमान में रखना है। अब जब भी आप सब्जी बनाते हैं या कोई भी भाजी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, तो आप सीधा ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे आसान मेथड है अदरक को प्रिजर्व करने का। इसी प्रकार से हम लहसुन को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अब हम इस तरह से इसको बंद करके फ्रिज में रख देंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।